तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे टूर एंड ट्रेवल्स के एक क्लाइंट हैं वो अपनी इस वेबसाइट को डायनेमिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये साइट है ये पूरी टोटली डायनेमिकली है, इसके एक एक फॉन्ट स्टाइल सब चीज़ डायनेमिकली है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है एडमिन पैनल पे। तो ये हमारा डैशबोर्ड आता है जिसमें हमें ये पता चल जाता है हमारे टोटल कितने हमने पैकेजेस क्रिएट करे, उनके टॉप मेन क्या है, उनकी कैटेगरीज क्या है, उनकी सब कैटेगरीज क्या है। नेक्स्ट एडर फुटर में वो लोगो, फेविकॉन फुटर के एंड कॉन्टैक्ट के टेक्स्ट और वो सब चीज़ें, एड्रेस, ईमेल्स और नंबर वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड मैप की लोकेशंस भी। प्रोडक्ट्स में आपको ये बता ये होता है कि आपको कितने प्रोडक्ट विजिबिलिटी करनी है इंडेक्स पेज पे। जैसे यहाँ पे अब मैं कैटेगरीज की विजिबिलिटी है वो देख सकूँ, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे अवेलेबल 6 ही हैं। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 ही हमारी कैटेगरी विजिबिलिटी है। अगर हम इसे 10 कर देंगे तो 10 हो जाएंगे, अदरवाइज आप जितने करेंगे उतने यहाँ पे विजिबिलिटी शो होने लगेगी लिमिट्स। बाकी इसके बाद हम होम सेटिंग्स में आते हैं, तो हम यहाँ पे अपने सर्विसेज के पेजेस को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई सेक्शन ऑफ करना है तो हम उसे ऑफ कर सकते हैं कि वो विजिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ आपको लेटेस्ट एडिट प्रोडक्ट को, अगर मैं वो करता हूँ तो लेटेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन को मैं ऑफ करता हूँ और अपडेट करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेटेस्ट प्रोडक्ट वाला ऑप्शन जा चुका है, आप देख सकते हैं। एंड मैं अगर इसे ऑन कर देता हूँ दोबारा, तो आप ये देख सकते हैं कि वो शो होने लग गया दोबारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ होगी शो। तो ये चीज़ हमारी इसलिए यूज़ में आती है, और अगर हमें इनके उनके नाम चेंजेस करने हैं, टाइटल्स या टेक्स्ट है, तो वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से क्लियरली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमारे आते हैं मेन्यूज़, हम यहाँ पे मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा होगा इंडेक्स पेज पे, और स्टोरी हमारा इंडेक्स पेज हो जाता है, और इंडिया, इंडियन इटर्निटीज़, माइक इंक्वायरी, फूड एंड फोर्ट्स एंड प्लेस, ये हमारी मेन्यूज़ क्यों हो गए। जिसे हम ऐड न्यू करते हैं और हम उन्हें बोलते हैं विजिबल होने के लिए यस, तो वो विजिबल होते हैं, अदरवाइज नो करेंगे तो वो विजिबिलिटी नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैटेगरीज, जिसमें हम अपने मेन्यू सेलेक्ट करते हैं और उनकी कैटेगरीज नेम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया की नॉर्थ, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, हम उन नेम से उन्हें सेव कर सकते हैं, और उनकी पिक्चर्स एंड उनके डिस्क्रिप्शन की, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसे इज एक्टिव कि आपको वो मेन्यू में शो कराने हैं या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ से येस और नो भी कर सकते हैं एंड उसे सबमिट करके आप कर सकते हैं क्रिएट। नेक्स्ट आता है हमारी सब कैटेगरी। सब कैटेगरीज में आप टॉप मेन्यू, जैसे इंडिया में आप नॉर्थ इंडिया में, आप किसी सब कैटेगरीज, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप जाना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं आपको बता दूं कोई भी प्लेस हो एक्स वाई जेड, तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद वो आपकी सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने नॉर्थ में, इंडिया में नॉर्थ में और चंडीगढ़ मैंने कर रखी है, तो ये मेरी क्रिएट हो चुकी है पहले ही ऑलरेडी। अब मैं आपको ये बताता हूँ आप पैकेज कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ऐड पैकेज में आपको सिंपली यहाँ पे टॉप मेन्यू में सेलेक्ट करना है कि आपको किस टॉप मेन्यू के अंदर वो पैकेज रखना है, तो आपको इंडिया में रखना है और उसकी कैटेगरी आप नॉर्थ में रखते हैं और उसमें चंडीगढ़ में, और पैकेज का नाम आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसका कोई ब्रोशर है तो वो PDF के फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड पिक्चर्स की उसकी कोई पिक्चर्स हैं, और अदर पिक्चर की उसके साथ लिमिट अदर पिक्चर्स भी हैं बहुत सारी, तो वो आप यहाँ पे ऐड आइटम करके कर सकते हैं जितनी आपको करनी है। आप 10 करनी है तो आप 10 भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड आपको 1-2 ही करनी है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, एंड उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि उसके पैकेज का क्या डिस्क्रिप्शन है, एंड उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड ये है हमारा इस फीचर्ड कि आपको वो मतलब जो पैकेज है वो होम पेज पे आपको शो कराना है या नहीं, तो आप यहाँ पे उसे येस कर देंगे तो वो शो होगा, अदरवाइज नो करेंगे, और इज एक्टिव मतलब उसे एक्टिवेट रखना है उस पैकेज को, तो आप वो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपका वो पैकेज क्रिएट हो जाएगा और वो आपको यहाँ पे शो होने भी लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ टूरिज्म के हो रहा है, और उसको आप व्यू डिटेल्स करेंगे तो आपको ऐसे भी शो होने लगेगा, और व्यू वॉशर करेंगे तो आप उसका वॉशर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने बैनर के स्लाइडर कैसे सेट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं।
जैसे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल इंडिया करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्लाइडर आप यहाँ से इजीली मैनेज कैसे कर सकते हैं। ऐड स्लाइडर करके आपको इमेज ले लेनी है, जो भी स्लाइडर में आपको इमेज लगानी है उसकी हेडिंग, कि उसकी हेडिंग आपको क्या रखनी है और उसका कंटेंट आपको क्या रखना है, एंड उसकी पोजीशन की कंटेंट लेफ्ट में रहे, राइट में रहे या सेंटर में, वो आप यहाँ से पोजीशन भी सेट करके उसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 3 स्लाइडर कर रखे हैं और जिनकी मैंने पोजीशन सेंटर कर रखी है, और आप देख भी सकते हैं वो सेंटर में ही आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, आपको विजिबिलिटी भी हो रही होगी। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो कि विजिबिलिटी हो रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट। इन केस आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो आपकी इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डायनेमिकली बेस्ट टूर के नाम से एक एडवर्टाइजमेंट दे रखी है। आप यहाँ पे सिंपली ऐड सर्विस करेंगे, उसका टाइटल रखेंगे और उसका कंटेंट एंड इमेज उस एडवर्टाइजमेंट की, और सिंपली आप उसे सबमिट करेंगे तो आपकी वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको शो होने लग जाएगी इस फॉर्मेट में। और वो आप देख भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक कर रखी है, तो वही आपको यहाँ पर आपको शो हो रही। नेक्स्ट आता है हमारे टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल आप अगर कोई टेस्टिमोनियल वीडियोस में है या इमेजेस में है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट कोई भी हो, इमेज हो या कोई सा भी फॉर्मेट हो, जैसे इमेज होगा तो आप इमेज के फॉर्मेट में कर दीजिए, वीडियो होगा तो वीडियो के फॉर्मेट में कर दीजिए, और उसका कंटेंट लिख दीजिए, वो आपको टेस्टिमोनियल यहाँ पे शो हो जाएंगे जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ये पेज सेटिंग्स। पेज सेटिंग्स में आप अपने अबाउट अस पेज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ आपका अबाउट अस पेज, ये आपका अबाउट अस पेज है, और इसका जो भी राइटअप है आप वो यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको राइटअप रखना है उसी फॉर्मेट में आपका राइटअप रहेगा, और उसका मेटा टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस के भी आप मेटा टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, और वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट अस आपका होम सेटिंग से ही क्रिएट हो जाता है, या ये आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बन जाता है जो आपके होम सेटिंग से ही क्रिएट होता है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ फुटर एंड कॉन्टैक्ट में, ये देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल और ये सब चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं, तो वो आपके यहाँ पे एज यूजुअल शो होती है इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप जो उनसे भी सोशल मीडिया के लिंक्स डालेंगे वो आपके यहाँ पे विजिबल होके वर्किंग में हो जाएंगे, जो भी आपको सोशल मीडिया के लिंक्स रखने हैं। थैंक यू।